पता है नहीं, इस औरत ने हमेशा एक ऐसे आदमी का साथ दिया जिसने ना कभी इनके रिश्ते को एक नाम दिया ना इज्जत दी। पता है क्यों? क्योंकि ये औरत उससे निस्वार्थ प्यार करती थी। तुम सही कह रहे हो नी, वो जानते ही नहीं है हमारी प्यार की खूबसूरती को, वो जानते ही नहीं है कि हमारा प्यार बेहद सच्चा है। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया, अपने बारे में झूठ बोला, अपना नाम तक झूठ बोला, तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने की कोशिश की, तुमसे शादी कर ली क्योंकि बदला लेना चाहती थी मैं तुमसे। पर इन सब के बावजूद भी तुमने क्या किया? तुमने मुझे एक्सेप्ट किया नहीं। अनन्या वर्मा को फिर से अमनी बनने का मौका दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में वो आ गई है जो तुम्हारा पास थी? आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है वंदु, कामयाब कब होगी? वंदु, जब हर कोई कमाकर जार पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना, तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सबके लिए बेहतर होगा। पापा सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती। बातें कुछ अनकही सी इस सोमवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जब नीलम और आयशा माने एक ऐसे आदमी को नहीं छोड़ा जो उन्हें प्यार ही नहीं करता था, तुमने तो मुझसे निस्वार्थ प्यार किया है ना, तो फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? जब तक ये सांसें चल रही है नानी, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहोगे भी ना तो भी नहीं छोड़ूंगी। पता है क्यों? छोटी थी, हमेशा हमेशा मैं भगवान से प्रे करती थी कि मुझे एक फैमिली चाहिए, एक अच्छी नॉर्मल फैमिली चाहिए। और वो फैमिली मुझे किसने दी? वो फैमिली तुमने मुझे दिए नहीं। और तुम्हें लगता है कि मैं इन सब रिश्तों को भुलाकर आगे बढ़ जाऊंगी, तुम्हें भूल जाऊंगी, अगली बार कभी भी तुम्हें छोड़कर जाने की बात मत करना मुझसे। सॉरी अवनी, मैं आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। इसे कहते हैं असल प्यार। मेरे बहुत बुरा लग रहा है हमें कि नील तो तुम्हें पूरी तरह से भूल गया। देख उधर, देख ध्यान से देख, आज उस अवनी की जगह तू हो सकती थी। मेहर अतीत का प्यार कोई कब्र नहीं होता जिसमें मोहब्बत किसी लाश की तरह पड़ी हो।
ये तो जिंदा रहती है, हमेशा जिंदा रहती है दिल में। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है और प्यार एक बार फिर महक उठता है। वैसे अगर तू चाहे तो हम तुझे तेरा पहला प्यार वापस दिलवा सकते हैं। एक बार उस नील की जिंदगी से वो अवनी निकल जाए, वो तुझसे फिर प्यार करेगा और उस अवनी की जगह तू होगी मेहर, सिर्फ तू। आ हमारे साथ। विद्युत मुझे बदनाम करके खुद को बड़ा प्रूव करना चाहता है। उसे लगता है कि हम डर गए, लेकिन ऐसा नहीं है और ना ही कभी मैं ऐसा होने दूंगा। हम उसी का वार उस पर ही करेंगे। नहीं, उसने ये सवाल उठाया ना कि जूही और मिष्टी मेरे साथ में क्यों रह रही है। अब हम उससे ये सवाल उठाएंगे कि मिष्टी उसके साथ क्यों रह रही थी या क्या रिश्ता है उसका मिष्टी के साथ, क्योंकि दुनिया ये नहीं जानती कि उसने मिष्टी को अपनी कैद में क्यों रख रखा था। अब मिष्टी ही वजह बनेगी उसे अरेस्ट करवाने की।